हाँ जी बाबा, कुछ में शरीर में पांच तत्व संतुलित हैं। सूक्ष्म शरीर में पांच तत्व भी सूक्ष्म होते हैं, अगर न होते तो भूत प्रेतों का असर किसी के ऊपर होता है तो क्या कहते हैं, कोई हवा है, है? अगर हवा है तो हवा में पांच तत्व है या नहीं है, जल है, जल के अंदर भी पांच तत्व है, पृथ्वी में भी पांच तत्व है, एक तत्व दूसरे में अंश्युत हुआ पड़ा है, ये माया के पांच रूप हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि कोई के अंदर क्रोध का भूत है और काम विकार का भूत नहीं है। क्यों? क्रोध है तो जरूर काम विकार का अंश भी होगा ही, इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है उनमें भी सूक्ष्म देहाभिमान है। अब देहाभिमान है तो पांचों ही विकार, पांच विकारों का बाप कौन है, है? देहाभिमान, ये देह स्थूल है, अब भूत प्रेतों की देह सूक्ष्म है। और रास्ता चलते चलते ब्राह्मण फंस गया, क्या चाहे ब्रह्मा की आत्मा हो चाहे जगदम्बा की आत्मा हो चाहे वैष्णवी की आत्मा हो चाहे शंकर की आत्मा हो, आखिरी जन्म में ब्राह्मण होते हैं या नहीं होते हैं, है? ब्राह्मण ही होते कि दूसरी कास्ट के होते हैं, ब्राह्मण ही तो होते हैं। और रास्ता चलते चलते वो ब्राह्मण फंस जाते हैं, माने माया उनको भी नहीं छोड़ती, माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। ये उत्तर भारत में भक्ति मार्ग में एक गीत गाते हैं कि माया किसी को नहीं छोड़ती, सारी दुनिया को नहीं छोड़ती, देवताओं को नहीं छोड़ती, देवताओं के जो मुख्य तीन हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर उनको भी नहीं छोड़ती, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे, मारा तो नहीं, माया ने उसको अनिश्चय बुद्धि तो नहीं बना पाया, लेकिन सारी चकलियों नहीं चली गई। अष्टदेवों को भी नहीं छोड़ती है, और माया और प्रभु से भी प्यार है, माया और प्रभु से भी प्यार, माया और प्रभु से नहीं, प्रकृति में क्या अंतर है, रावण के 10 शीत गाए हुए, चित्रों में भी 10 शीत दिखाए जाते हैं और एक 11वां सिर भी दिखाया है, वो कौन सा है, गधे का सिर, देहबान, जो 5 सिर हैं वो बताए गए हैं पुरुष मुख, और 5 सिर बताए गए हैं स्त्री मुख, दुनिया वालों ने नहीं बताए हैं, भगवान बताते हैं कि 5 हैं पुरुष मुख और 5 हैं स्त्री मुख,
जो पांच पुरुष मुख हैं उनका नाम क्या है? अरे बेसिक में तो पढ़ा है ना, बताओ है? इसने पूछा उन्हीं को बताने दो, बताओ। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांच मुख हैं माया रावण के मुख। रावण के साथ बाबा माया शब्द जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? है? मां माने नहीं, आया माने आया। ये पांच विकारों में से कोई विकार ना आया होता तो अच्छा था। तो पांच विकार हैं माया के रूप, और बाकी पांच और हैं जो बाबा ने बताया कि ये स्त्री मुख है। तो रावण की स्त्री का नाम क्या है? है मंदोदरी। माने रावण की जितनी तीखी बुद्धि है उतनी तीखी बुद्धि नहीं है उसकी, लेकिन बुद्धि तो है, लेकिन कैसी है? मंद बुद्धि। ऐसे नहीं है कि पेड़ पौधों की तरह कोई जड़ हो, जड़ नहीं है। मंदोदरी का भी रूप मनुष्य का दिखाया है या जड़ पेड़ पौधों को दिखाया है? है? स्त्री चोला दिखाया है ना, लेकिन उस स्त्री चोले का नाम रख दिया है शास्त्रों में मंदोदरी। उदर माने पेट, बुद्ध रूपी पेट कैसा है? मंद है औरों के मुकाबले। तो वो मंद बुद्धि वाली जो मंदोदरी है उसको शास्त्रों में और उसको चित्रों में रावण के पुरुष मुख क्यों दिखा दिए? बाबा ने हमको बताया कि ये स्त्री मुख है, लेकिन शास्त्रों में क्या दिखाया है, चित्रों में क्या दिखाया है? जो रामलीला दिखाते हैं ना, बनाते हैं तो पुतला बनाते हैं रावण का, उसमें दसों सिर जो है वो दाढ़ी मूछों वाले बनाते हैं या क्लीन शेप बनाते हैं? मूछों वाले बनाते हैं दसों से। तो भक्ति मार्ग में मूछों वाले क्यों बना दिए? इसलिए बना दिए है कि जो माया की सहयोगिनी है मंदोदरी, वो मंद बुद्धि वाली ऐसी है जो ज्ञान में बहुत तीखी है। क्या? यज्ञ के आदि में भी ज्ञान में बहुत तीखी थी, इतनी तीखी थी कि ब्रह्मा बाबा समेत सारे ब्राह्मण परिवार को लपेट में ले लिया। आज में भी तीखी होती है और अंत में भी तीखी होती है। और एक देवी भी ऐसी दिखाई गई भक्ति मार्ग में, कोई देवी है जो वाचा में बहुत तीखी है? वाचा में तीखी बताई जाती है सरस्वती जगदम्बा। क्या उसका रूप है? जगदम्बा सात्विक स्टेज का, और जब तमो प्रधान बनती है तो महाकाली बन जाती, लंबी जीव वाली। कहते ना इसकी तो बड़ी लंबी जीव है, इससे क्या लड़ाई लड़ना, छोड़ दो। माने वाचा में बहुत तीखी है, ज्ञान में बहुत तीखी है। जैसे रावण बहुत तीखा होता है वैसे वो भी बहुत तीखी है, लेकिन रावण को तो पुरुषों को बता दिए बाबा ने, और मंदोदरी को स्त्री मुख दिखाए।
तो ज्यादा विकार पुरुष मुख में होते हैं या स्त्री मुख में होते हैं? पुरुष मुख में ज्यादा विकार होते हैं और स्त्रियों में उसके मुकाबले कम विकार होते हैं। तो जो माया का सहयोग देने वाली मंदोदरी है, वो मंदोदरी जब तक माया की सहयोगिनी न बने तब तक माया जीत नहीं पाती है बाबा के बच्चों पर। कब जीत पाती है? जब माया मंदोदरी से हाथ मिलाती है, बुद्ध की हाथ मिला करके दोनों आपस में एक हो जाते हैं, फिर खेल चलता है, वो फाइनल परीक्षा होती है और उसमें माया साहब को हरा देती है। माया की लड़ाई में कोई बचता नहीं। तो मंदोदरी को स्त्री रूप बाबा ने बताया है, क्योंकि चोले से तो स्त्री रूप है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जन्म जन्मांतर का कोई राजा है, राजा बनने वाली आत्मा। और राजा बनने वाली जो आत्माएं हैं वो रुद्रमाला के मण के होती हैं, शिव बाप के डायरेक्ट बच्चे होते हैं या औरों के बच्चे होते हैं? शिव बाप के बच्चे होते हैं। 108 जो माला के मणके हैं रुद्रमाला के, वो बाप के बच्चे हैं। उनमें आखिरी मणका वो कौन है जो बाप के उतना ही नजदीक है जितना शिव बाप का मुकर्रर रथ? कौन है? जगत पिता के साथ जगदम्बा, वही महाकाली का रूप धारण करती है। और वो जब महाकाली का रूप धारण करती है तो माया से मिलकर के एक हो जाती है। बड़ी कौन है? माया बेटी बड़ी है, ज्यादा ताकतवर है, या प्रकृति बड़ी है? पुरुष और प्रकृति दो का खेल है। ये प्रकृति कैसे बनती है? पुरुष माने आत्मा और प्रकृति, प्रकृति को माता कहा जाता है और पुरुष को पिता कहा जाता है। तो पहली रचना कौन है? शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उनकी पहली रचना कौन है? है माता। माया बेटी है या माता है? माया तो बेटी है। कम पावरफुल होगी या ज्यादा पावरफुल होगी? वो कम पावरफुल है। और प्रकृति तो बहुत पावरफुल है। ये पावरफुल कैसे बनी है? क्या आधी बात बोलते हैं, आधी अंदर रख लेते हैं? ज्यादा संग का रंग बाप का लिया है, वो है प्रकृति। जगत पिता का सबसे ज्यादा संग का रंग किसने लिया है? प्रकृति ने लिया है। तो जो प्रकृति माता है, संग लेने के कारण सबसे जास्ती शक्तिशाली बन जाती है। इतनी शक्तिशाली बन जाती है कि माया भी पीछे रह जाती, नहीं तो माया से लोग कितना डरते हैं। माया भी उतनी शक्तिशाली नहीं है।
माया बेटी सारी सत्य का विनाश नहीं करती है। जो रुद्रमाला की दुनिया है, एडवांस की दुनिया, उसका जीते जी विनाश कर पाती है? जीते जी भी विनाश नहीं कर पाती। शरीर छोड़ने के बाद भी वो तब तक विनाश नहीं कर सकती है जब तक कि माया से हाथ न मिलाए। जब दोनों की बुद्धि मिलकर के एक हो जाती है तब विनाश का कहर टूटता है। जितनी भी सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं जो बेसिक में से आ रही है, वो एडवांस का ज्ञान सुनती है या नहीं सुनती है? कैसे सुनती है? है? जो रुद्रमाला के मण के हैं उनको अनेक मुख दिखाई जाते। रुद्राक्ष के जो मणके हैं वो एक मुख वाले ही होते हैं या अनेक मुख वाले होते हैं? अनेक मुख वाले। वो अनेक मुख किस बात की यादगार है? अनेक मुख यादगार ही है कि किसी में एक सोल ने प्रवेश किया और किसी में दो ने, किसी में चार ने, किसी में अनेकों सोल प्रवेश करती है। तो जगदम्बा भी अम्बा है ना, है? माँ जो है वो सिर्फ बाप से ही प्रभावित होती है कि और कोई संबंध है उस संबंधों से भी प्रभावित होती है? बच्चों से भी प्रभावित होती है जगदम्बा, तो सारे जगत की माँ है ना, कि सिर्फ ब्राह्मण सो देवताओं की माँ है? सूर्यवंशियों की ही माँ है क्या? नहीं, वो सारे जगत की माँ है। क्रिश्चियंस की भी माँ है, बौद्धियों की भी माँ है, मुसलमानों की भी माँ है, नास्तिकों की भी माँ है। माँ अपनी गोद से कोई बच्चे को अलग अलग नहीं करना चाहती। बच्चा अगर जिद पे अड़ जाए तो माँ झुकेगी या बच्चा झुकेगा? माँ झुक जाती है, तो प्रभावित हो जाती है माँ। और प्रभावित होने वाला क्या बन जाता है? प्रजा बन जाता है, कमजोर बन जाता है। आज दुनिया में कुमार भी बहुत हैं, कुमारियां भी बहुत हैं, अधर कुमारी भी बहुत है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रही है अभी? है? कुमार प्रभावित हो रहे हैं, कुमारियां प्रभावित हो रही हैं, माताएं प्रभावित हो रही हैं, या अधर कुमार प्रभावित हो रहे हैं? आधीन सबसे जास्ति कौन है? है? बेसिक में भी माताएं सबसे जास्ति आधीन, दुनिया में तो है ही, और एडवांस में भी माताएं ही सबसे जास्ती आधीन। क्यों? जैसा कर्म बड़े करेंगे बड़ों को देख छोटे करेंगे, तो माताओं में बड़ी में बड़ी माँ को माता कौन है? जगदम्बा। तो जगदम्बा का ही ये हाल है कि गीता का भगवान किसको समझे बैठी है? कृष्ण वाली आत्मा। तो सुधार होगा या गिरावट आएगी? गिरावट आपकी चली आ रही। आपके प्रश्न का समाधान हुआ क्या बाबा? हाँ। आपने माया दिला देंगी तो ये पुरुषार्थ कम हो जाएगा क्या? है? अभी नहीं हो रहा है, अभी अभी पुरुषार्थ कम हो रहा है या ऊपर चढ़ रहा है? कभी ऊपर चढ़ता है माया हिला के, तो भाई लोग तो ऊपर चढ़ गए। अभी भी नीचे गिर रहा है ना? हाँ। तो कभी कभी मन गिरता है बाबा, सोल प्रवेश करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, उन सोल के साथ हिसाब किताब किसने जोड़ा, कब जोड़ा?
जो सोल प्रवेश कर रही है हमारी अवस्था को नीचे गिराए रही है, उनके साथ हिसाब किताब हम नहीं जोड़ा या किसी और ने जोड़ा है। मनसा खराब करती है, आत्मा को प्रताड़ित कर देती है, तो ये हिसाब किताब जोड़ा किसने? हम नहीं जोड़ा। तो हमको अलर्ट रहना चाहिए इस बात पर कि उन आत्माओं की बुद्धि में ज्ञान नहीं है, जो बेसिक से आत्माएं आ रही है शरीर छोड़ छोड़ करके, उनमें ज्ञान है? उनमें ज्ञान नहीं है। और हमारे अंदर? हमारे अंदर ज्ञान का बल है। और ज्ञान का तंत्र क्या है? अरे बता तो रहे हैं ज्ञान का तंत्र क्या है, वही तो बता रहे हैं। ज्ञान का तंत्र है ज्ञान माने जानना। क्या जानना? बाप को जानना, आत्मा को जानना, आत्मा के अनेक जन्मों को जानना, और आत्मा की जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी है आदि की क्वालिटी, अनादि क्वालिटी, उसको जानना। क्या है आदि अनादि क्वालिटी? क्या है आत्मा की? चले कोई तो बताओ। प्योरिटी, पवित्रता, क्या अव्यभिचारी वृत्ति, एक शिवबाबा दूसरा न कोई, ये तंत्र है तीन ज्ञान के। आत्मिक स्थिति बनी रहे, आत्मा याद होगी तो परमात्मा उससे दूर नहीं हो सकता, और जो आत्मिक स्थिति में रहेगा उसमें देह भान नहीं होगा। जब देह भान ही नहीं होगा तो पांच विकारों का बाप ही नहीं है तो बच्चे भी नहीं होंगे, पांच विकार आ ही नहीं सकते। एक ही बात याद कर लें, आत्मिक स्थिति अगर पक्की कर लें अमृत बेला सुधार लिया तो सब सुधर जाएगा। भूत प्रेत आत्मा हमारे नजदीक नहीं आ सकती, क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है पावरफुल तो होता है। अब देह के तत्वों में बंधे हुए पांच तत्वों में हमारी देह बंधी हुई है, तो हम तो बंधन में है। जब पांच तत्वों के बंधन से आत्मा निकल जाती है तो स्थूल बंधन खराब हो जाता है, सूक्ष्म बंधन रह जाता है पांच तत्वों का, वो ज्यादा पावरफुल होता है। या पांच तत्वों का ये स्थूल देह का बंधन ज्यादा पावरफुल होता है, सूक्ष्म शरीर बहुत पावरफुल होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर पावरफुल होता है उससे भी ज्यादा पावरफुल क्या चीज है? माने अमृत में नहीं हम पावरफुल बने, 24 घंटे भूतप्रेत प्रवेश नहीं कर सकता है। अरे बाप की तो याद छोड़ो, अगर स्टार आत्मा की भी याद है तो भी भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, उनका प्रभाव नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर बड़ा होता है, स्थूल होता है, विस्तार वाला होता है, या आत्मा विस्तार वाली होती है? सूक्ष्म ज्यादा कौन है? सूक्ष्म शरीर ज्यादा सूक्ष्म है या आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है? आत्मा ज्यादा सूक्ष्म, जो ज्यादा सूक्ष्म है उसमें ज्यादा ताकत होती है। तो अगर हम अमृत वेले फाउंडेशन का जो टाइम है उस टाइम पर आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह, कूटे जगते ही जैसे ही आंख खुले कुछ याद न करें, पक्का कर दें। क्या करना है? पक्का कर दें। तो सारा दिन फाउंडेशन अगर पक्का कर लिया तो आत्म की स्थिति सहज बनती रहेगी।
और सवेरे ही उठते उठते दुनियादारी की बुद्धि चक्कर काटने लगी तो क्या होगा, सारा दिन फाउंडेशन ही ऐसा पड़ जाता। अगर आपने किसी चीज का फाउंडेशन पक्का कर लिया तो भूत प्रेत आत्माएं नजदीक नहीं आ गई। बड़ा हिसाब माने हम ये समझ रहे हैं कि हमारा कड़ा हिसाब किताब है इसलिए हम अमृत वेला नहीं करेंगे। नहीं, 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 तो जरूर याद में कुछ डिफेक्ट है। डिफेक्ट वाली याद क्यों करना, मिस याद क्यों करना? हाँ नहीं, जो है वो प्रवेश करता है तो अंतिम जन्म में प्रवेश करता है या 83वें जन्म में प्रवेश करता है? है अंतिम जन्म में प्रवेश करता है। और प्रजापिता का सन 36 में अंतिम 84वां जन्म था या 83वां था या 85वां जन्म था, क्या कहेंगे? 84वां जन्म था। लेकिन मुरली ने ये बताया कि बहुत जन्मों के, बहुत जन्म कितने होते हैं? 84। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश करता हूं। इसका मतलब हुआ कि प्रजापिता के 84वां जन्म बहुत जन्म था सन 36 में, लेकिन बहुत जन्मों के भी अंत का नहीं था। 4 साल की उम्र तो हुई, वानप्रस्थ अवस्था तो हुई, परंतु अंत का भी अंत कहेंगे नहीं कहेंगे? वो कब कहेंगे? संगम युग में जिस तन में शिव बाप प्रवेश करते हैं उस जन्म का नाम क्या रखते हैं? अरे अरे शिव बाप जब प्रवेश करते हैं तो नाम क्या रखते हैं? ब्रह्मा। अब वो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा हो और चाहे वो ऑर्डिनरी ब्रह्मा हो, बिना शिव के प्रवेश किए ब्रह्मा नाम पड़ता है क्या? नहीं। तो 7 साल की उम्र में प्रवेश किया वो था तो 84वां जन्म, लेकिन बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म नहीं था। वो कब पूरा होता है? वो ब्रह्मा का जो 100 साल गए हुए हैं वो कब पूरे हुए? 76 में पूरे होते। तो वो हुआ बहुत जन्मों के अंत का भी अंत का जन्म। नाम क्या रखा? ब्रह्मा रखा। तो जिसका नाम ब्रह्मा रखा वो दूसरा शरीर कहेंगे? ब्रह्म ही हुआ ना, अभी भी उसे प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे या ब्रह्मा कहेंगे? अभी भी प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। और वो प्रजापिता ब्रह्मा उसका 85वां जन्म कहेंगे या अंतिम 84वां जन्म कहेंगे? 84वां जन्म तो नहीं है शरीर का, लेकिन फिर भी वो 21वें जन्म में ऐड कहा जाएगा कि नहीं होगा? सत्युग त्रेता में कितने जन्म होते हैं? 21 जन्म, 21 जन्म होते हैं ना? तो 20 जन्म तो वो हो गए सत्युग के 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म, फिर 1 जन्म कहाँ गया? इस संगम युग में है। इसको 85वां जन्म कहेंगे या 21वां जन्म कहेंगे? कौन सा कहेंगे? तो जब 21वां जन्म है तो उसे एक्स्ट्रा आइनरी न कहे तो क्या कहे? दुनिया की तरह जन्म है क्या?
दुनिया की तरह जन्म तो नहीं है, ये 85वां जन्म नहीं कहेंगे, एक्स्ट्रा हाई दरिजन कहेंगे, सबका नहीं होता है ऐसा। सिर्फ कितनी आत्माओं का होगा एक्स्ट्रा हाई दरिजन है, पाप समान एक्स्ट्रा हाई नरी जन्म कितनी आत्माएं लेंगी है, बस 4.5 लाख होंगे जो जन्म देने वाले होंगे, परंतु जन्म लेने वाले बच्चों के रूप में नहीं होंगे। तुम्हारी कंचन काया होगी, तुम्हारी बोला है तुम्हारी कंचन काया होगी, तुम्हारे शरीर बर्फ में दबे रहेंगे और उसमें आत्मा प्रवेश करेगी। जब आत्मा बर्फ से बाहर निकलेगी तब, जब आत्मा बर्फ से बाहर निकलेगी तब कंचन काया होकर निकलेगी क्या? अरे इसमें भी शक है क्या है? सांप काट लेते हैं बहुतों को, और सांप के काटे हुओं को जो सर्प विद्या जानते हैं वो लोग उसे बर्फ में डाल देते हैं या तो गोबर में दबा देते हैं और फिर उसको कुछ तंत्र मंत्र भूक फाक करते हैं। तो बहुतों से सुना होगा कि सांप का काटा हुआ मरता नहीं है अगर उसकी डांट न पड़े तो, गोबर में रखने से या बर्फ में रखने से वो डांट नहीं पड़ती, और तंत्र मंत्र के द्वारा या नदी की धारा में रख करके उसको प्रक्षालन करते रहते करते रहते और प्रक्षालन करते करते वो जिंदा जिंदा हो जाता है। तो बर्फ जो है वो ऐसी चीज है कि जैसी चीज रख देंगे वैसी की वैसी ही बन गई, परिष्कार कर देती है। ये 5 तत्व हैं, इनका भी परिष्कार होता है, सुधार होता है, और वो सुधार उन्हीं शरीरों का होगा जिन शरीरों की याद संपन्न स्टेज को पहुंची हुई हो, उनका वाइब्रेशन संपन्न बन गया होगा, वो ऑटोमेटिक बर्फ के अंदर दब जाएंगे। थोड़े दिनों पहले अखबारों में भी निकला था कि बर्फ में से एक जोड़ा निकला, वो जिंदा निकला। माला बाबा और बर्फ में टपने के पहले ही कंचन काया हो जाएगी। बीज जब कंचन बनेगा, बीज माने आत्मा, आत्मा जब कंचन वाइब्रेशन वाली बनेगी तो उस वाइब्रेशन के अंदर आने वाले जो 5 तत्व हैं वो निरोगी नहीं बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे, फाउंडेशन तो उसी समय पड़ जाता है। हाँ, 500 करोड़ की मनुष्य शक्ति जब तक इस दुनिया में है तब तक वाइब्रेशन गंदे ही बने रहेंगे या स्वच्छ वाइब्रेशन होंगे? गंदे ही वाइब्रेशन का आकर बना रहेगा, क्योंकि 500-700 करोड़ का जो समूह है वो वाइब्रेशन मुट्ठी भर लोगों के वाइब्रेशन को सुधरने नहीं देता। हाँ, वो मुट्ठी भर व्यक्ति अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए और बाबा की याद में रहे तो वाइब्रेशन जैसे मुट्ठी बन जाती है तो ताकत आ जाती है ना, ऐसे वाइब्रेशन पक्का और मजबूत बन जाएगा। कैसे आत्माएं रहेंगी? शरीर में तो दुनिया में रहेंगे, आत्माएं तो मन बुद्धि ऊंची स्टेज में जाएगी या यहाँ रहेगी? लौकिक दुनिया वाले भी रहते हैं ना, लौकिक दुनिया वाले शरीर छोड़ेंगे या रहेंगे? नहीं नहीं, बिना सोने के पहले बिना बाबा, वो मृत्यु को पाएंगे या शरीर के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाएगा? मृत्यु को पाएंगे, लेकिन बाबा स्टार्टिंग की विनाश से पहले ही वो तब तक रहते हैं। खत्म,
साढ़े चार लाख के अलावा जो भी आत्माएं होंगी वो शरीर के ऊपर पांच तत्वों के ऊपर कंट्रोलर होंगी या कंट्रोल्ड होने वाली होंगी, वो तो कंट्रोल नहीं बनी रहेंगी, उनकी तो मौत होगी, शिक्षा से मृत्यु नहीं होगी, शिक्षा से मृत्यु उनकी होगी जो आत्मा अलग और शरीर अलग नजर आए। हाँ जी, हाथ उठाना भक्ति मार्ग वाले। हाँ जी, मेला होता है शिवरात्रि को, हाँ मेला होता है, कहाँ मेला होता है? हाँ चलो कहीं कहीं भी, हाँ महादेव है वहाँ जाते हैं। हाँ जी, तो महादेव अपन विष्णु बोलते थे गए थे क्या? कहाँ माने जहाँ जहाँ मेला लगते हैं, जहाँ जहाँ मेले लगते हैं वहाँ वहाँ पहुँचना जरूरी है, है? यादगार बनी हुई है। माने कैलाश पर्वत पर अगर मान्यता है शास्त्रों में कि कैलाश पर्वत जो है वहाँ शिव का वास है, शंकर का वास है, शंकर जी वहाँ रहते और अकेले नहीं रहते, किनके साथ रहते? पूरे परिवार के साथ रहते हैं, रुद्र मणकों के साथ रहते हैं, तो इसका मतलब सारे रुद्र मणक के कैलाश पर्वत पहुँचेंगे। कैलाश पर्वत की बात है या उनकी स्टेज की बात है? उनकी स्टेज की बात है, ऐसी उनकी स्टेज हो ये सब लाशें ही लाशें पड़ी हुई, उनकी गिनती नहीं है किसकी, उस कैलाश पर्वत पर जो लाशें पड़ी हुई है, मुर्दे पड़े हुए हैं, उनकी गिनती नहीं है, लेकिन बुद्धि में बैठा हुआ ये सब मरे पड़े हैं जो ईश्वरी ज्ञान से विमुख है। कितने मरे पड़े हैं? अरे दुनिया में कितने मरे पड़े हैं जो मुर्दा है? 500-700 करोड़ कितने भी मनुष्य मात्र है, वो सब मुर्दा होने वाले हैं, सब विरोध करने वाले हैं, आखिरी सारे विरोध करेंगे और आखिरी बार करने के बाद फिर आखिरी में सब मानेंगे। तो कैलाश पर्वत है उसका नाम, एक दो लाशों की बात नहीं है, सब मरे पड़े। सन 76 में वो कैलाशवासी था या नहीं था? है? था। कितने थे कैलाशवासी 76 में? कैलाशवासी कितने थे? अकेला था या पूरे परिवार के साथ था? हाँ, शुरुआत तो एक से ही होती है, एक की बुद्धि में ये बैठा होगा, अरे बाहर की दुनिया तो झूठ थी, जब बेसिक नॉलेज में आए तो क्या समझा बुद्धि में, ये बाहर की सारी दुनिया झूठी है, सब मुर्दे हैं, अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं, लेकिन जब बेसिक से निकल करके बुद्धि एडवांस में आती है तो क्या बुद्धि में आता है, अरे ये बेसिक की दुनिया भी सारे मरे पड़े, सब झूठे हैं, मुर्दे हैं, कब दाखिल हो गए हैं, पांच तत्वों की मिट्टी में इनकी बुद्धि गढ़ी पड़ी है, पांच तत्वों से प्रभावित हैं, देहधारियों से प्रभावित हैं, ये मिट्टी में इनकी बुद्धि दबी पड़ी है, ये भगवान की बात और भगवान को पहचानने वाले नहीं है। तो जो जो एडवांस में आते जाते हैं, जिनको पक्का निश्चय होता जाता है, वो कहाँ के वासी है?
कैलाश। जब बाबा कहते हैं गुजराती, तो क्या गुजरात में जाके बसना जरूरी है? अरे बेहद का बाप बेहद जो बच्चों से बेहद की बातें करते हैं या हद की बात करते हैं? बेहद की बात करते हैं। तो ऐसे नहीं कि वो सतपुड़ा पहाड़ है तो वहां जाना जरूरी है, नहीं, ये बेहद की बातें हैं, उनका बेहद का अर्थ है। हाँ, उनमें से कोई कोई हो भी सकती है, जो भक्ति मार्ग की बातें हैं वो प्रैक्टिकल में कोई कोई साबित भी हो सकती है। हम दो ही युगल पहले से बाबा ने परमिशन दे दिया, हम युगल जोड़ी मतलब चलते है, ज्ञान में चल रहे हैं और हमने गीता पाठशाला खोलने की अनुमति दी है। तो बाबा ने इसलिए कहा है कि पांच कम से कम पांच पांडव गीता पाठशाला पर होना चाहिए, उसके अलावा गीता पाठशाला अथेंटिक नहीं हो सकती, ऐसा हो सकती। तो आपका तो कहना है कि हम पहले से परमिशन की गई है तो ऐसी कैसे अथेंटिक नहीं है? ऐसी कैसी अथेंटिक नहीं है? अथेंटिक परमिशन दी है तो ऐसी कैसी परमिशन नहीं? ऑथराइज्ड है हाँ जी, लेकिन जो टीचर्स है वो टीचर्स में इतनी ताकत नहीं है जो कम से कम पांडवों को जिंदा रख सके। उनका व्यवहार इतना अच्छा नहीं है, उनका प्रैक्टिकल जीवन इतना अच्छा नहीं है, उनकी प्योरिटी इतनी यूनिटी वाली नहीं है जो कम से कम कितने पांडवों को बांध के रख सके, पांच पांडवों को। तो फिर वो गीता पाठशाला कहेगी तो और ऐसे युगल है कि उनके यहाँ पर एक युगल मतलब युगल जोड़ी में माता क्लास चलाती है, माता गीता पाठशाला चलाती है, उनकी युगल जो है बाहर सर्विस करते हैं, वो वहाँ पे रहती है। तो उस जगह पे जो क्लास चलता है तो वो भी गीता पाठशाला अथेंटिक हो सकती है। जो पति है उसकी परमिशन तो है, उसको विश्वास तो है अपनी पत्नी के ऊपर, हाँ बच्ची किया हुआ है, ज्ञान में है, भले बाहर सर्विस करता है लेकिन उसका विश्वास तो है अपनी पत्नी के ऊपर। अगर पति का ही विश्वास पत्नी के ऊपर है तो दूसरों को उंगली उठाने की जरूरत है? नहीं, हाँ ये बाबा की तरफ से नियम है कि अगर क्लास का टीचर कम उम्र की माता है कन्या जैसा वाइब्रेशन है तो अपनी सेफ्टी के लिए ये नियम जरूर बनाए कि कोई न कोई माता को सहयोगी बनाए, मेच्योर्ड माता को, अधेड़ उम्र की माता को, कि जब भी क्लास लगे तो माता वहां रहनी चाहिए। माता साथ में होनी चाहिए, वैसे तो कोई बात ही नहीं, मैच्योर्ड माता है तो कोई बात ही नहीं। भूत प्रेत आत्माएं हैं या नहीं है? भूत प्रेत भी कोई आत्माएं, मनुष्य आत्माएं है ना, तो जो मनुष्य आत्माएं हैं उन सब मनुष्य आत्माओं का हमारे साथ एक साथ हिसाब होता है या आगे पीछे हिसाब होता है? आगे पीछे हिसाब होता है तो आगे पीछे अटैक करेंगी। कौन सा ग्रह उपग्रह ऐसा है जिसके साथ कलाएं जोड़ी जाती है? चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो उनकी कलाएं नाचने की अलग है, गाने की अलग है, अलग अलग कलाएं हैं क्या है? कला का मतलब है रोशनी, आत्मा की रोशनी जब संपूर्ण हो जाती है तो सोलह कला संपूर्ण,
और वो रोशनी वो ताकत घटती जाती है, माने कलाहीनता की ओर चंद्रमा जाता है। कलयुग के अंत में कृष्ण की सोल क्या हो जाती है? कलाहीन हो जाती है। उसकी यादगार बनती है सनसेट पॉइंट, कलाहीन हो गई। फिर यादगार बनती है क्या? माउंट आबू में ही यादगार बनती है, है? सनराइज पॉइंट, सूर्योदय का पॉइंट। पहले सनराइज पॉइंट यादगार नहीं थी, कौन सी सिर्फ यादगार थी? सनसेट पॉइंट यादगार थी, अभी फिर सनराइज पॉइंट भी बन गया, बनाया जा रहा है। स्वर्ग स्थिति में जाने वाला स्वर्ग में जाता है, है? तो फिर का द्वार खोलने के पहले स्वर्ग में कैसे जाती है? जो स्वयं स्थिति में स्थिर रहेगा वो परिस्थितियों के वशीभूत होगा। जब परिस्थितियों के वशीभूत ही नहीं होगा तो माया का, माया माने पर कौन है? पराया कौन है? माया प्रकृति है पराई, और स्व कौन है? नहीं, अकेली आत्मा नहीं, हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, आत्मा के साथ परमात्मा भी, वो हमारा स्व है, मेरा बाप है। स्वयं स्थिति में स्थित रहने वाला, आत्म की स्थिति में स्थित रहने वाले से परमात्मा दूर होता ही नहीं है, स्वयं स्थिति वाला है। और जहाँ परमात्मा बाप की छत्र छाया है वहां दुनिया का कितना भी बड़े से बड़ा कयामत का स्वरूप विकराल रूप आता जाए तो भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। माताएं विकारों के ऊपर पहल करती है कि पुरुष पहल करते हैं? एकांत पाके पुरुष ज्यादा चंचल बनते हैं या माताएं ज्यादा चंचल बनती हैं? कन्या माताएं लाज किस में रहती है और निर्लज कौन हो जाते हैं? कौन हो जाते हैं? अरे रुको तो, ज्यादा कौन निर्लज होते हैं परसेंटेज में? हम ज्यादा की बात कर रहे हैं, ज्यादा परसेंटेज में निर्लज पुरुष बनते हैं या कन्याएं माताएं निर्लज बनती हैं? अरे हाँ ना तो शर्म आती, बोलो ना, है? स्वीकार नहीं करेंगे। अगर स्वीकार कोई अपनी गलती को नहीं करता है तो समझो सुधरा हुआ नहीं है, सुधरने के रास्ते पर नहीं है। अरे स्वीकार तो करो सच्ची बात को, है? सही बात है। हाँ आप आगे बोलो बाबा। ये युगल जोड़ी जो देवी को बताया कि एंड्रॉइड की गीता पठन नहीं होती है, जो युगल जोड़ी यहाँ अभी बोला कि एक ही युगल जोड़ी वहाँ एंड्रॉइड गीता पठन नहीं है, वहाँ पे मासिक संगठन तो लिया जा सकता है ना? हम क्यों नहीं लिया जा सकता? आपस में मिलकर के तय करो, सबकी सहमति से काम होता है। बुद्धि तो बुढ़े आदमी की बुद्धि जो है विकसित होती है, जो आदमी बुढ़े हो जाते हैं जिनकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, उनकी बुद्धि विकसित होती है। सब भूल जाता है, सब भूल जाता है। आत्मा तामसी बनती है तो इंद्रियां भी तामसी बनती है, इसलिए बोला है शिव बाबा कभी बूढ़ा नहीं होता। और आत्मा वयोवृद्ध अवस्था को नंबर वार पास ही जरूर है,
शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया है और बाकी देवताओं ने कामदेव को भस्म नहीं भी किया है। शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया है, हाँ जी, बाकी जो देवता है उन्होंने कामदेव को भस्म नहीं किया है, फिर भी उनका गायन भजन भी होते हैं, उनके लिंग की पूजा होती है। कोई देवता तीर्थों में से एक की तरह कोई और है जिसके लिंग की पूजा होती हो? होती है? अरे हाँ ना किया करो। अरे का पुजवाने तो नहीं लगे? अरे हाँ ना तो कर दो। नहीं होती ना? नहीं होती और ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान धन को सुरक्षित करके रखे। क्या ऐसा होना चाहिए जो ज्ञान धन को सुरक्षित करके रखे? सुरक्षित करके वो ही रख सकता है जिसके अंदर धारणा शक्ति हो, और धारणा शक्ति स्त्री चोले में ज्यादा होगी या पुरुष चोले में ज्यादा होगी? स्त्री चोले में ज्यादा होती है। इसलिए एक काशी नगरी है, नगरी है या नगरा है? नगरी है, जो शिवशंकर भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। जब राक्षस सारी पृथ्वी को गड्ढे में ले जाता है, पाताल में ले जाता है, तब भगवान किसकी सुरक्षा करते हैं? है? एक ही काशी नगरी है जो अलग हो जाती है पृथ्वी से, वो बच जाती है और बाकी सब है गड्ढे में चला जाता है। इसलिए मान्यता है दुनिया में, भारतवर्ष में खास, कि जब अंत समय हो तो कहाँ पहुंचे? काशी नगरी में मृत्यु हो, अंत समय हो, दूसरी जगह में न हो। अभी अभी अंत समय आ गया या नहीं आ गया? है? आ गया। इसलिए अव्यक्त बाप दादा ने बोल दिया। क्या बोला? अष्ट देवों से खास बोला। क्या बोला? तुम बच्चों के लिए बाप दादा ने क्या किया है? नई दुनिया का फाउंडेशन डाल दिया है। तो नई दुनिया में आना जाना करते हो ना? झूठ बोल दिया? सच्चा बोला? सच्चा बोला है। हाँ, को काली काली इसमें क्यों बताया गया? क्या 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 काला नहीं है, कबूतरी है। कबूतर का रंग पूरा काला होता है या थोड़ा काला होता है? थोड़ा काला, दो कला काला हुआ है, पूरा काला नहीं हुआ। दादा पांच बच्चे हैं तो एक एक करके पवित्र बनेंगे या एकदम पवित्र बनेंगे? हैं? पांच तत्व पवित्र बनते हैं तो एक एक करके पवित्र बनेंगे या एकदम पवित्र बनेंगे? एक तत्व पवित्र कैसे बनेंगे? पांच तत्वों में हर एक तत्व मिक्स है या नहीं है? मिक्स है, इसलिए एक के ऊपर सारा मदार। और वो पांच तत्व में से ऐसा तत्व कौन सा है जिसमें पांचों तत्व तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में समाये हुए हैं? पृथ्वी। तो पृथ्वी माता कही जाती है। शिव बाप आते हैं तो बृहस्पति ग्रह पर आते हैं, बुध ग्रह में आते हैं, कोई और ग्रह में आते हैं या पृथ्वी में आते हैं? पृथ्वी में आते। सबसे जास्ती नीचे कौन गिरा है? पृथ्वी माता ही नीचे गिरी है।
तो माता का उद्धार करने के लिए भगवान बाप आते हैं। रामायण में जो लिखा है पृथ्वी पर पापों का भार बहुत बढ़ गया, तो भगवान ने माता का उद्धार करने के लिए जन्म लिया। ये बहुत नीच गिर जाती है, इसलिए ऐसे नहीं है कि कोई एक तत्व का पहले उद्धार होता है। किसका पहले उद्धार होता है, है? अरे दिल्ली का सुधार, सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन, सारी दुनिया का परिवर्तन कहा जाता है। तो सारी दुनिया का सेंट्रल प्लेस कौन सा हुआ, जो सेंट्रल प्लेस सब धर्मों की माता है, सब धर्म वालों ने उसकी गोद में राज्य किया है, वो कौन सी जगह है? दिल्ली। माता ही ऐसी है जिसकी गोद में हर बच्चा राज्य करता है, उसी को सबसे ज्यादा नीचे गिरा दिया। तो भगवान आकर उसी माता को ऊंचा उठाते हैं। बाबा, देवताओं के नाम उनके कर्म के ऊपर गिरते हैं, देवताओं के जो नाम है उनके कर्म के ऊपर गिरते हैं, और आज की दुनिया में उनके जैसे नाम रखने वाले जैसे शंकर है, कृष्णा है, उमा है, उमाकांत है, तो फिर ऐसे लोगों को भी देवताओं कहेंगे? वो नाम रखेंगे इतने वो मनुष्य राक्षस है या देवता है, तो राक्षस क्या करेगा? राक्षस झूठे नाम रखेगा या सच्चे नाम रखेगा? है झूठे ही नाम रखेगा। है सभी आत्मा में 560 करोड़ के लिए मनुष्य आत्मा बोले कितनी है? है अरे कितनी है वो आत्मा है जो 50 साल में अपने पाप कर्म भस्म कर सकती है? 4.5 लाख मनुष्य आत्मा है। ये सृष्टि पर सूरज भी अपने समय पर निकलता है, है? और चांद भी अपने समय पर निकलता है, रात भी अपने समय पर होती है, दिन भी अपने समय पर होता है, और इस प्रकृति के पांच तत्व भी अपने समय पर निकलते हैं। निकलते हैं तीन भाषाओं क्यों करते हैं? निकलते हैं, निकलते हैं पांच तत्व अपने समय पर निकलते हैं, कार्य करते हैं। मनुष्य इसलिए करता है कि मनुष्य जो है वो जड़ है या चैतन्य है? और ये जो जो जो, जो नाम आपने गिनाए हैं वो सब जड़ है या चैतन्य है? कौन पुरुषार्थ करेगा? चैतन्य पुरुषार्थ करेगा, और जड़ चैतन्य के आधार पर चलेगा। चैतन्य आत्मा सारी सृष्टि को चलाती है, जड़ तत्वों को चलाती है, उपग्रहों ग्रहों को चलाती है, या जड़ ग्रह उपग्रह आत्माओं को चला रहे हैं? अरे कौन चीज को चला रहे हैं? वो नौ ग्रह जड़ है, उनको चलाने वाले कोई चैतन्य नौ आत्माएं हैं, या चैतन्य आत्माओं को वो जड़ ग्रह चला रहे हैं? चैतन्य आत्माएं जो है वो जड़ को चलाती है, लेकिन तब चलाती है जब वो स्वयं चैतन्य बने। जड़ता खत्म हो जाए। बाबा, बड़ा तीर्थ माउंट आबू को कहते हैं, फिर और कहते हैं कि फरुखाबाद को भी कहते हैं। फरुखाबाद को कभी तीर्थ नहीं कहा, जो फर से खा जाए उसको तीर्थ कहेंगे? है उसको तीर्थ थोड़े गए। तीर्थ का मतलब ये है किनारे लगाने वाला, ठिकाने लगाने वाला। 500-700 करोड़ मनुष्यों की बुद्धि को जो एक ठिकाने पहुंचा दे,
जब विनाश होगा आखिरी, तो सारी दुनिया की बुद्धि कहाँ लगी हुई होगी? बड़े से बड़े तीर्थ में लगी होगी, ऐसे नहीं मुसलमानों के रामल्ला में लगी होगी या काबा में लगी होगी या क्रिश्चियंस के तीर्थ स्थान में लगी होगी, नहीं कहाँ लगी होगी? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, नास्तिक ही क्यों ना हो, सबकी बुद्धि कहाँ लगी हुई होगी? बड़े से बड़े तीर्थ में लगी हुई होगी, इसलिए उसको तीर्थ नाम दिया है, सबकी बुद्धि को एक ठिकाने लगाने वाला।